आज मैं टाकले की भाजी बनाने जा रही हूँ मसूर के साथ में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टाकले की भाजी ली हूँ, इसको अच्छे से बारीक कट करके इसको धोकर तीन पानी से अच्छे से धोना है इसको। इस पर मिट्टी बहुत होती है और ये बारिश में ज़्यादातर एक साल में एक बार उठती है, तो इसको खाना बहुत ज़रूरी है। ये आयुर्वेदिक जैसा काम करती है और इसकी जो जून हो जाने के बाद ये इस पर सेंग उठती है ना, तो वो पथरी के लिए काम आती है। उसकी पाउडर उसमें बीज होते बारीक बारीक, उसको सूखा कर पीस कर वो पानी में डाल के खाया जाता है, तो उससे पथरी पिघलने लगती है। तो ये ऐसे पत्ते होते हैं टाकली की भाजी के, और इसको कौले लेने होते हैं एक बार। तुम अब साल में एक बार तो इसे खाना ही चाहिए। पर मैंने आधा कप मैंने मसूर को बॉईल करके ली हूँ, और यहाँ पर मैंने चार प्याज ली हूँ इसे कट करके ली हूँ। एक चम्मच यहाँ पर मैंने मसाला ली हूँ कोकनी मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, और लहसुन के पाँच मैंने कलियाँ ली हूँ, पाँच छः है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने चार गिलास पानी डाली हूँ इसमें। भाजी को इसके अंदर डालना है उसको। ये जून होती है तो हम टाकली की भाजी को थोड़ा सा बॉईल करके लेते हैं ना, तो अच्छी रहती है। इसको मैं थोड़ा सा बॉईल करके लेती हूँ। अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, पहले भी मैंने तिलकुट की डाली हूँ, और ये आसानी से गांव में होते तो रास्ते के साइड में ऐसे ज़्यादातर उगती है, निकलने को बहुत अच्छा लगता है गांव में, मगर यहाँ मुमरा में मिल गई मुझको। क्या आती है मुमरा में, आप मुमरा में रहते तो आपको आसानी से मिल जाएगी अमृत नगर में। नमक ऐड करी हूँ 1/4 टीस्पून, उसको अच्छे से मिक्स करके इसको बॉईल करके लेंगे। देख सकते हैं अच्छे से इसको मैंने पका के ली हूँ। इसको ठंडा करने के बाद मैं छन्नी से इसको छान के लूँगी। मैंने लगनी ली हूँ, इसमें एक बड़ा चम्मच ऑयल ऐड की हूँ, यहाँ पर ज़ीरा ऐड करूँगी। साथ साथ में लहसुन ऐड करूँगी इसको, इसे भून लेना है इसको। साथ साथ में यहाँ पर प्याज ऐड करूँगी। टाकले की भाजी में प्याज ज़्यादा रहता तो अच्छी लगती है, पर मीडियम साइज की मैंने चार प्याज ली हूँ। इस तरह से फिर नरम करके लेना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा कच्चा कच्चा अच्छा लगता है इसमें। चिपक जाती है इसको, इसे थोड़ा सा ऐसा छुट्टा करके लेना होता है इसको बॉईल करने के बाद। इसको मैंने छन्नी से छान के निकाल के रखी थी, इसको सब पानी इसका फेंक देना है, ऐसा छुट्टा छुट्टा करके लेना है इसको। प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है, मैंने नमक ऐड किया। सब्ज़ी में मैं बॉईल करते टाइम मैंने ऐड की थी, हल्दी भी ऐड करूँगी इसमें। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, और यहाँ पर मैं मसाला ऐड करूँगी और एक मिनट इसको भून लेना है। एक मिनट हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ मसाले को। साथ साथ मैं इसमें मसूर ऐड करूँगी, आप चाहे तो इसमें नारियल की चून भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, और ये भी अच्छी लगती है खाने में इसी मसूर डाल के। तो अभी ऐसे भी ट्राई कीजिए। कोकनी मसाले का कलर देख सकते हैं आप, इसमें मैं ये साथ साथ भाजी भी ऐड करूँगी इसमें बॉईल की हुई, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। इसमें कच्चा प्याज ही अच्छा लगता है ज़्यादातर, तो
वीडियो देखते हैं तो लाइक करो, अच्छा लगता है, आपकी लाइक आती है, कमेंट आती है, माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। जज़ाकल्ला खैरो। मैं इसको एक दो मिनट ऐसे ही रखूँगी और फिर मैं सर्व करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से सब्ज़ी बन के तैयार है। बॉईल करते समय ही इसको अच्छे से पका के लेना है। इसको मैं सर्व करती हूँ। टाकले की भाजी को अच्छे से बॉईल पका के ही लेना है, ज़्यादा इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको 5 मिनट इसको अच्छे से धीमे आँच पे रखी थी। मैं गैस बंद कर रही हूँ, सर्व करती हूँ। और मैंने टाकले की भाजी गेहूँ की रोटी के साथ में सर्व की हूँ। आप कोई भी रोटी के साथ में खा सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।